मैं अभियान मिश्रा, विद्या क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी कैसे करें, मैं एक बार फिर से हाजिर हैं। दो दिन में थोड़ा सा छोटे बच्चों का कुछ आ गया था, फ्रैक्शन परसेंटेज और एलसीएम एससीएफ, तो वही बताने में एक दो दिन का समय लग गया। आज फिर हम जहां तक बताए थे उसके आगे आज शुरू कर रहे हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो। इसका मतलब यह हुआ कि इसको हल करके x और y का वैल्यू निकालिए और x और y इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए तो x और y रखा जाएगा तो m का ही मान निकलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए हल करते हैं इसको। देखिए 2x गुणांक बराबर है, घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस ये कट गया, 4 × 3 = 7y और 24 × 10 = 34 y बराबर 35/7 y बराबर आ गया 5। समीकरण एक में रख दीजिए 2x प्लस 3 y मतलब 5 बराबर 11 प्लस 3 × 5 = 15 बराबर 11 2x बराबर 11 ये प्लस इधर भगाइए पक्षांतर हो जाएगा माइनस 15 माइनस 4 2 × 4 बराबर माइनस 2 मतलब यहां देखिए x बराबर आ गया माइनस 2 और y बराबर 5। अब कह रहा है कि इसको संतुष्ट करे मैंने m का वह मान ज्ञात करिए जहां y बराबर mx प्लस 4 तो x y का मान क्या निकला है 5, m का मान निकालना है, x का मान क्या निकला है माइनस 2 प्लस 4, 4 को इधर लाइए 5 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2 m माइनस 1 बराबर माइनस 2 m तो m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया m इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 × 10 = 10 तो देखिए बराबर 10y + x। अब ये कैसे होता है यहां देखिए, मान लीजिए दहाई 4 है, इकाई 5 है, तो हिंदी में पहले हम लोग पढ़े हैं 4 × 5 = 1 4 × 5 = 45। इसका मतलब कि 4 × 10 = 10 मैंने दहाई के अंक में 10 का गुणा प्लस इकाई के अंक में 1 का गुणा, एक का करिए चाहे मत करिए बात वही है 40 × 5 = 45 तो वही 10 × 10 = 10 मतलब ये है वाई के 10 दहाई y है तो 10y + x ये बन गया संख्या। तो कह रहा है क्वेश्चन यदि इसके अंक उलट दिए जाएं, हाँ तो यहां देखिए अंक उलटने पर अंक जब उलट दिया गया
तो 10 माने इकाई के जगह पे दहाई कर दिए, दहाई की जगह पे इकाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 एक्स धन वाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप शुरू से पढ़िए। दो अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग, मैंने दहाई और इकाई है तो अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 9, 9 है समीकरण नंबर 1। यदि संख्या, संख्या क्या बना है 10 y धन x, ये संख्या के क्रम को उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या कौन सी संख्या बन रही है 10 x धन y। देखिए यहां उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से यानी 10 y धन x से 27 अधिक होगी, 27 अधिक होगी। अब इसको हल करके दूसरा समीकरण बनाइए, 10 x धन y इधर लाइए, माइनस 10 y माइनस x बराबर 27। 10 x में से एक x घट गया 9 x, अब ये अधिक में से ये घट गया माइनस 9 y इज इक्वल टू 27। 9 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 27 न 3 27, माने x माइनस y बराबर 3 समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 है x प्लस y बराबर 9। अब इन दोनों को आप चाहें जिस विधि से चाहें उस विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन से चाहें विलोपन से हल कर सकते हैं, विलोपन से करना है जोड़ दीजिए, ये 2x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/6, 12/2, ये आ जाएगा आपका 6। मान भर दीजिए 6 माइनस वाई बराबर 3, इधर इसको इधर लाइए, 6 माइनस 3 वाई को उधर ले जाइए, वाई बराबर 3, एक्स बराबर 6 वाई बराबर 3, इसमें भर दीजिए संख्या निकल जाएगी आपकी। तो ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया है तो फिर से बताएं, नहीं तो अगला क्वेश्चन लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। सातवां है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है उसके अंश में से। देखिए माना अंश एक्स तथा हर वाई, तो भिन्न का हो जाएगा एक्स बटे वाई होगा भाई, अंश बटा हर फ्रैक्शन माने भिन्न होता है। अब प्रथम शर्त कह रहा है, लिखेंगे 1/3 हो जाता है भिन्न, ये एक्स बटे वाई 1/3 हो जाता है क्या करने पर, अंश में से एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाया जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x-1 इज इक्वल टू वाई। अब इसको हल करके एक समीकरण बन जाएगा, और द्वितीय शर्त में कह रहा है 1/4 हो जाता है कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो 8 ही जोड़ दिया गया हर में, तिरछा गुणा करिए साल्व करिए एक्स और वाई का मान निकालिए इसमें भर दीजिए भिन्न निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर वही दो अंकों की संख्या माना इकाई एक्स दहाई वाई, कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, तो बनी संख्या क्या हो जाएगी 10 वाई धन एक्स, क्रम को बदल दिया जाए उलट दिया जाए बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, ये 10 से एक 10 वाई धन एक्स है ना, तो ये 10 एक्स धन वाई हो जाएगा। कहने का मतलब इकाई के जगह पे ये चला जाएगा और दहाई इकाई के स्थान पे चला जाएगा, इकाई दहाई के स्थान पे चला जाएगा।
अब कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी 10y धन x धन 10x धन y बराबर 66। 10x 1x 11x प्लस 10y 1y 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 66। 11 छक्के 66, x प्लस वाई बराबर 66। समीकरण नंबर एक। और कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2, ये दो समीकरण हो गया, दोनों को हल करिए, x और y का वैल्यू निकालिए, और x y की वैल्यू निकल जाए तो फिर रख दीजिए। कह रहा है संख्या ज्ञात करिए ना, तो यही संख्या है, यही संख्या, ये आप हल करें। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इसको देखें और तब तक के लिए आज्ञा दें, कल फिर उपस्थित होंगे अगले क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।